बिलावल भुट्टो ने वापस पाकिस्तान लौटकर भारत के खिलाफ जहर उगलना कर दिया शुरू। जयशंकर के साथ हाथ मिलाने को लेकर भी बड़ा खुलासा जो मीडिया कैमरे से है दूर। बिलावल भुट्टो ने भारत के सम्मान में जो बातें कही वह सुनकर हर भारतीय हैरान। दोस्तों, एक पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते बिलावल भुट्टो का भारत में किए गए स्वागत पर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद वापस अपने देश लौट गए हैं। भारत आकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है और अब पाकिस्तान वापस लौटकर उन्होंने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। वापस पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी इस यात्रा को एक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया वह पूरे पाकिस्तान के लिए गर्व का विषय है। बिलावल ने कहा कि भारत ने मेरी उम्मीद से ज्यादा खातिरदारी की। विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाते हुए भारत ने पाकिस्तानी बिलावल को भी एक मेहमान की तरह स्वागत किया। इस पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही बिलावल ने आगे कहा कि भारत और खासतौर पर बीजेपी एक प्रोपोगंडा चला रही है कि हर मुसलमान आतंकी है, उसे नकार दिया गया है। बिलावल के अनुसार भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे। बिलावल ने गीत गाते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। कराची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दुनिया में मुस्लिमों और हर पाकिस्तानी को आतंकी साबित करना चाहते हैं, जबकि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। बिलावल ने कहा कि इस वक्त भारत में मुस्लिमों के खिलाफ जबरदस्त नफरत का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर भारतीय मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है। अगर बीजेपी चाहती है कि हर एक मुसलमान या हर एक पाकिस्तानी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। हमारी यह यात्रा इस दावे को खारिज कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें तब कह रहे थे जब भारतीय विदेश मंत्री ने उन्हें सीधे तौर पर आतंकवाद का प्रवक्ता बता दिया था। जयशंकर ने बिलावल की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी भयंकर बेइज्जती की। जयशंकर ने खुले तौर पर कहा कि बिलावल भरोसे के लायक नहीं है और यह आतंकवाद का आका है। गोवा में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के पीड़ित उनके साथ बैठकर आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते जो इसे फैला रहे होते हैं। इसी कारण भारत में पाकिस्तान के साथ कोई भी चर्चा नहीं की। जयशंकर ने कहा कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। बिलावल भुट्टो के आने पर जयशंकर ने कहा था, भुट्टो एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर आए, यह बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते। जयशंकर के बयान का मतलब है कि पाकिस्तान खुश नसीब है जो वह एससीओ का सदस्य है और इसी कारण वह भारत आ रहा है, नहीं तो उसे पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया जाता। विदेश मंत्री जयशंकर के सख्त बयानों का जवाब देते हुए बिलावल ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह बयान भारत की इनसिक्योरिटी है। भारत जैसा महान देश इस तरह का बयान देता है तो शोभा नहीं देता। बिलावल ने जयशंकर को महान बताते हुए एक अनुभवी विदेश मंत्री बताया है। बिलावल ने कहा कि भारत ने जो झूठ फैला रखा था, मेरी यात्रा ने उन सभी झूठ की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, जबकि पाकिस्तान इस बातचीत में हिस्सा लेना चाहता था। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा तेजी से कम हो रही है। जयशंकर के इस बयान को आइकॉनिक माना गया जो अपने बयानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह इतिहास हो चुका है, कश्मीर हमारा था, है और भविष्य में भी हमें कश्मीर से कोई जुदा नहीं कर सकता। पीओके वापस लेने पर जयशंकर ने गरजते हुए कहा कि वह हिस्सा भी हमारा था और भविष्य में हमारा ही रहेगा। आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा कि पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का था और हमेशा भारत में ही समाया होगा। बिलावल भुट्टो ने ऐसे जयशंकर से हाथ नहीं मिलाने पर सफाई दी। दरअसल ऐसे जयशंकर ने बिलावल से हाथ नहीं मिलाया बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन किया था।
इस पर भुट्टो ने कहा कि जिस तरह वे मुझसे मिले ठीक इसी तरह हम सिंध और मुल्तान में अभिवादन करते हैं। मेरे लिए तो ये खुशी का मौका था कि हम इस तरह मिल रहे हैं। इसमें हमें शिकायत जैसा कुछ नहीं लगा क्योंकि वह हर किसी से ऐसे ही मिले। बिलावल ने कहा कि जयशंकर ने मेरे साथ भी वही व्यवहार किया जैसा कि उन्होंने बाकी विदेश मंत्रियों के साथ किया। जयशंकर की तारीफ में बिलावल ने कहा कि वह बेहद सादगी और डिसिप्लिन वाले व्यक्ति है। इसके बाद बिलावल ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया। उन्होंने आगे कहा कि बाद में हम डिनर या अन्य जगहों पर मिले तो हमने हाथ मिलाया। हम सभ्य लोग हैं, एक दूसरे को देखते ही लड़ाई नहीं शुरू कर देते। मतलब कि जयशंकर ने कैमरे पर बिलावल से हाथ तो नहीं मिलाया लेकिन डिनर और दूसरी जगह पर सभी से खुलकर हाथ मिलाए और सभी का अभिवादन स्वीकार किया, जो एक सभ्य या कूटनीति की छवि दर्शाती है। हालांकि इस हाथ मिलाने वाले विवाद पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मंत्री बनने से पहले 2016 में बिलावल शिव मंदिर भी जा चुके हैं। अभी हाल ही में उनकी बहन की शादी हुई, जो शादी के बाद शिव मंदिर पहुंचकर वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाई थी और भगवान शंकर का आशीर्वाद ले रही थी। बिलावल के नाना अपने आप को सच्चा भारतीय मानते थे और कुछ हद तक वे हिंदू रीति रिवाजों में भी विश्वास रखते थे। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।